1908 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान, आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए UBN 08, ताजा खबरों के लिए बने रहिए UBN 08। देखते रहिए UBN 08, ताजा खबरों के लिए बने रहिए UBN 08 के साथ। विदिशा ब्यूरो चीफ रणधीर सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट। जिला विदिशा में महिला पुलिस थाना का उद्घाटन थाना कोतवाली परिसर में किया गया। विदिशा जिले में पहली महिला पुलिस थाना प्रभारी बनी रचना मिश्रा। मध्य प्रदेश में 42 महिला पुलिस थाने को हुआ उद्घाटन। विदिशा पुलिस महिला थाने का हुआ उद्घाटन। मध्य प्रदेश में 42 महिला पुलिस थानों का उद्घाटन हुआ है, जिससे आम महिला पुलिस को अपनी पूरी बात बताएंगी, ताकि महिला की बात महिला समझ सके। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज मध्य प्रदेश में 42 थानों का उद्घाटन हुआ। आज में सभी पुलिस प्रशासन एवं विधायक मंडल उपस्थित रहे, जिसमें पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा नेतृत्व में एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, विधायक राजश्री रुद्र प्रताप सिंह, विधायक शशांक भार्गव, विधायक संजय लीला जैन, SDM गोपाल सिंह वर्मा, तहसीलदार सरोज अग्निवंशी एवं सभी अधिकारी व सभी पुलिस स्टाफ जैसे एडिशनल SP संजय साहू, CSP विकास पांडे, थाना प्रभारी वीरेन झा, देहात थाना प्रभारी कमलेश सोनी, ट्रैफिक पुलिस आशीष राय और भी TISI सभी लोग उपस्थित रहे। पहली महिला थाना TI का प्रभार दिया जाता, आप कैसा महसूस करती हैं? हाँ जी, इसके पहले इसी जगह पे संचालित किया जा रहा था और इसके साथ ही साथ अब महिला थाने का शुभारंभ भी किया गया है, जहाँ पर मुझे प्रथम महिला TI बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मेरी यही रहेगी आकांक्षा कि सभी महिलाओं को उचित न्याय दिलवाया जाए। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए और महिलाओं को सही न्याय उपलब्ध कराने के लिए आज विदिशा समेत प्रदेश के 42 जिलों में 42 थानों में महिला थानों का भव्य उद्घाटन श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय जी के मंशा के अनुसार हो रहा है। इसके तहत महिलाओं को एक ही सिंगल विमेन सिस्टम पर आधारित एक ही जगह पर पूर्ण रूप से न्याय उपलब्ध कराया जाएगा और महिलाओं को एक ऐसा वातावरण तैयार कराया जाएगा जिसमें महिलाएं सहज रूप से खुलकर अपने बात को, अपनी समस्याओं को हमारे समक्ष प्रस्तुत कर सकें। उद्घाटन हुआ है, आज महिला को किस तरीके की सुविधाएं प्राप्त होंगी, यहाँ पर क्या विचार है? जिला महिला थाने का आज शुभारम्भ हुआ है। इस अवसर पर मैं और समस्त पुलिस के इस तरीके की महिलाओं को सपोर्ट मिलेगी और क्या सहयोग मिलेगा? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान जी, वो वैसे भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में बहुत विश्वास रखते हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाने में उनका विशेष योगदान रहा है और इसी तहत अगर ये महिला थाना भी बना तो मैं ये मानती हूँ कि जिस तरीके से एक महिला विधायक से महिलाएं अपनी बात कह पाती हैं और समाज को आगे ले जाने के लिए जब वो हमसे भी बात करती है, तो मुझे लगता है कि महिलाओं में बहुत अवेयरनेस तो आ चुकी है। ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रही है, शहर में तो सभी महिलाएं बहुत अवेयर होती हैं, लेकिन अगर महिला थाना आज यहाँ पर निर्मित हुआ है और हमारे पूरे प्रदेश में 42 जगह पर महिला थाना आज यहाँ पर निर्मित हुआ है, तो महिलाओं को एक बहुत अच्छा एक ग्राउंड मिलेगा जो अपनी बात कह सके, न्याय के लिए गुहार लगा सके और निसंकोच अपनी बात को रख सके। और आशा करती हूँ कि इससे महिलाओं में भी एक ऐसी चेतना जागेगी कि वो अन्याय को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं रखेंगी, अपने मन नहीं रखेंगी और आगे थाने में अपनी बात कह सकेंगी। जैसे कि अभी हमारी DSP महिला प्रांत सुश्री रामचा जैन बता रही थी, महिला थाने की फंक्शनिंग आज 1 जुलाई से हमने शुरू कर दी है। इसका गैजेट नोटिफिकेशन के तहत आज मध्य प्रदेश को 42 जिलों में ये महिला थाने शुरू किया गया है। इस थाने को सक्रिय बनाने के लिए हमारे द्वारा ऑलरेडी यहाँ 14 लोगों की पदस्थापना की जा चुकी है, जिनमें से 9 महिला अधिकारी कर्मचारी हैं और 5 पुरुष अधिकारी कर्मचारी हैं। खुशी की बात यह है, हमारे पास एक महिला निरीक्षक यानी लेडी इंस्पेक्टर, एक उप निरीक्षक, 4 प्रधान आरक्षक और 8 आरक्षक का बल ऑलरेडी रेडी है। साथ ही साथ जो विशेष किशोर पुलिस इकाई में निरीक्षक और अन्य स्टाफ तैनात हैं, वो भी इस महिला थाने को सक्रिय बनाने हेतु और फिर क्रियान्वयन में सहयोग करेगा। कोतवाली कैंपस में उसकी उपस्थिति से हमें उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर पहुँच सकेगी और अपनी समस्या का समाधान कर सकेगी और डेफिनेटली महिला अपराध की रोकथाम हेतु और महिला को सुरक्षित माहौल देने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन कदम है और हमें शीघ्र ही रिजल्ट की